अभी खेले जा रहे एशिया कप में भारत का दूसरा मुकाबला हांगकांग के साथ हो रहा है, जिसमें हांगकांग ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की ताबड़तोड़ पारी इनिंग के बदौलत यहाँ पे 192 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 193 रन की जीत हांगकांग को चाहिए। आज बात कर लेते हैं भारतीय टीम की पहली इनिंग किस तरीके से रही। यहाँ पे बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल रोहित शर्मा के बीच 38 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें रोहित शर्मा ने 21 रन का योगदान दिया 13 गेंदों में, जिसमें एक छक्का और दो चौके थे। 161 रन का स्ट्राइक रेट था, उनका विकेट आयुष शुक्ला ने चटकाया। तो वहीं दूसरा विकेट भारतीय टीम का, इसके बाद कोई विकेट यहाँ पे भारतीय टीम ने गिरने नहीं दिया। केएल राहुल ने भी आज 36 रन की पारी खेली 39 गेंदों में, जिसमें दो छक्के शामिल रहे, उनका विकेट मोहम्मद गजनफर ने झटकाया। तो वहीं विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव आखिरी 20 ओवर तक नॉट आउट रहे, जहाँ विराट कोहली ने अपने करियर का यहाँ पे एक और 50 T20 में जड़ दिया है। जी हाँ, 59 रन की पारी खेली नॉट आउट, 44 गेंदों का सामना करा, 3 छक्के मारे, 1 चौके के साथ 134 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने आज यहाँ पे तूफान मचा दिया, 6 छक्के और 6 चौके के बदौलत यहाँ पर 26 गेंदों में 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेले, 261 रन का स्ट्राइक रेट रहा उनका। तो वहीं लास्ट ओवर पर 3 गेंदों में 3 छक्के यहाँ पे इन्होंने जड़ डाले थे। जी हाँ, लास्ट का ओवर बहुत ही महंगा यहाँ पे गया हांगकांग की ओर से, जिसमें 3 गेंदों में 3 छक्के यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने जड़े थे। तो मैं बात कर लेते हैं कि आज किस तरीके से प्लेइंग 11 भारतीय टीम की रही। 56 आज स्क्वाड में शामिल हुए, तो हार्दिक पांडे को आज रेस्ट दिया गया। रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, उन्नीस कुमार, आवेश खान, यूजी चहल, हर्षदीप सिंह, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, इस तरीके से भारतीय टीम रही थी। और 2 विकेट इन्होंने खोकर भारतीय टीम ने 192 रन खड़े कर दिए। तो विराट कोहली सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन पार्टनरशिप हमें यहाँ पे देखने को मिली। 94 रन पे केएल राहुल आउट हुए थे 12/6 ओवर में, तो वहीं 20 ओवर्स में पहुंचा दिया 192 रन। तो वहीं गेंदबाजी की बात कर रहे थे, हांगकांग की ओर से हरुण अरशद ने कोई विकेट नहीं छटकाया, आयुष शुक्ला को एक विकेट मिला, तो वहीं मोहम्मद गजनफर को एक विकेट अपने नाम करने का मिला, और सभी बॉलर को यहाँ पे जबरदस्त पिटाई हुई। इस तरीके से भारत की फर्स्ट इनिंग रही यहाँ पे। यह मैच एशिया कप का चौथा मैच ग्रुप ए का और भारतीय टीम का यह दूसरा मैच था। इस मैच को जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह बनाने के लिए पक्की करेगी भारतीय टीम आज। और वहीं बात कर लेते हैं कि आज का मैदान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम था, और अंपायर्स की बात करें तो एहसान राजा गजी सोहेल, 7:30 से मैच स्टार्ट हुआ, हांगकांग ने टॉस जीता, ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट। आज 31 तारीख है यहाँ पे, और इस तरीके से मैच चल रहा है अभी तक बेहतरीन तरीके से, भारतीय टीम इस मैच को जीत रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हांगकांग की टीम भी यहाँ पे बहुत मजबूत दिखाई दे रही है।